Welcome to Hungry Spoon. Subscribe to our channel for new recipes and click the bell icon for notification and don't miss a single update. Hello everyone, welcome to Hungry Spoon channel. कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे और खुश होंगे। आज मैं आपको कच्ची हल्दी की बर्फी बनाना बताऊंगी, जो कि जाड़ों में बहुत ही आराम से मार्केट में मिल जाता है। कफ और खांसी की तो ये रामबाण दवा है और हर उम्र के लोगों के लिए फायदेमंद है और हमारी इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी न्यू अपडेट्स मिलती रहे। तो कच्ची हल्दी हमने 150 ग्राम लिया है। कच्ची हल्दी को हमने धुल करके साफ करके इसको मगी में काट लिया है और काटने के बाद इसको मिक्सी ग्राइंडर में कुछ इस तरह से हमने पेस्ट बना लिया है। और हल्दी की बर्फी में 150 ग्राम गुड़ जाएगा। गुड़ की क्वालिटी आप देख लीजिए, कुछ गुड़ काले और थोड़ा से गंदे होते हैं, इसलिए इस गुड़ की क्वालिटी आप चेक कर लीजिए। गुड़ साफ और अच्छा होना चाहिए। एक कटोरी हमने आटा लिया है, जो हम लोग रोज रोटी में बनाते हैं वो आटा एक कटोरी हमने लिया है। देसी घी 3-4 चम्मच जाएगा। ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट में हमने बादाम लिया है, इसको हमने पीस लिया है मिक्सी ग्राइंडर में। और ये तरबूज का बीजा हमने लिया है। काजू हमने मिक्सी ग्राइंडर में पीस लिया है। किशमिश है, नारियल का बुरादा है और ये अलसी है। अलसी बहुत ही फायदा करता है, खासतौर पे औरतों में जो कमर का दर्द की शिकायत होती है उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है अलसी। अलसी जरूर आप इसमें डालें। और हमने सोल्ट लिया है 1 चम्मच। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंटेनर में हमें बर्फी को सेट करना है। उस कंटेनर को हमें ऑयल से ग्रीस कर लेना है और ग्रीस करके रख देंगे ताकि मैं बर्फी जब तैयार करूँ इसमें डाल करके सेट कर सकते। पैन ले लेंगे, सबसे पहले हमें इसमें देसी घी ले लेना है। हमें ये हमारा गरम हो जाएगा तो हमें ये आटा भून लेना है। आटे को हमें लाइट गोल्डन कलर का करना है ताकि इसका कच्चापन चला जाए। एक से दो मिनट में ये हमारा आटा भून जाएगा। अब इसे हमें निकाल लेना है। इसी पैन में हमें ड्राई फ्रूट थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। इस तरह से इसमें सारा डाल लेंगे हमें और इनको भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। कच्ची हल्दी बहुत ही आसानी से अभी जाड़ों में आपको मार्केट में मिल जाएगी। आप लेके आइए, उसको धुल के इस्तेमाल करिए। पूरे जाड़े आप हल्दी वाला दूध पीते हैं, बहुत फायदा करेगा। इस तरह से हल्दी की बर्फी बना के रख लीजिए। और चाहें तो आप हल्दी की गांठ को किसी भी गमले में लगा लीजिए और अगले जाड़े में आप तैयार हो जाएगा पौधा। आपको मार्केट से खरीदना नहीं पड़ेगा, बहुत ही आसान तरीके से ये इसका पौधा तैयार हो जाता है। ये हमारे लाइट गोल्डन कलर में आ गया है, ये रोस्ट हो गया है। अब इन्हें भी हमें निकाल लेना है। अब ये खसखस हमने लिया है 2-3 चम्मच, इसको भी रोस्ट कर लेंगे। ये खसखस हमारे रोस्ट हो गए हैं, आवाज आ रही है इसमें हल्की हल्की। अब इनको भी निकाल लेंगे। ये देसी घी डालना है 1 बड़ा चम्मच। और इसमें हमें ये पीसी हुई हल्दी डाल देनी है। और इन्हें भी हमें अच्छे से भून लेना है। जो सोल्ट बताया था 1 चम्मच, इसको भी डाल के हमें भून लेना है।
एक से 2 मिनट लगेगा इसको हल्दी को भी भूनने में हमें। आज जो मैं ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो मेरी दादी की रेसिपी है। आजकल के समय में हम लोग दादी नानी के बताए हुए नुस्खे को भूलते जा रहे थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से नेचर ने हमें वो सारी चीजें याद दिलाई कि हाँ पुरानी चीजें बहुत ही अच्छी और फायदेमंद है, और ये सारी चीजें हमारे इम्यूनिटी लेवल को और ताकत को बढ़ाता है। बस खाने का सही तरीका और मात्रा सही होनी चाहिए। आप इसे जरूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताएं हमारी ये हल्दी की बर्फी की रेसिपी कैसी लगी आपको। इस तरह से हमें भून लेना है ताकि ये हल्दी का कच्चापन चला जाए। इस तरह से ये हमारा हल्दी भून गया। अब इसमें हमें ये गुड़ डाल देना है और स्लो हमें फ्लेम रखना है इसका। हमें पानी इसमें नहीं डालना है, गुड़ अपने आप धीमी धीमी आंच पे ये मेल्ट हो जाएगा। इसको चलाते रहेंगे बराबर। अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और ये मिक्स करते जाना है हमें। गैस का फ्लेम हमें एकदम स्लो रखना है। मैंने इसमें गुड़ 150 ग्राम दिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसका गुड़ की भी मात्रा बढ़ा सकते हैं। तरह से अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करके 1 से 2 मिनट हमें खूब अच्छे से इसको भून लेना है आपस में। अब ये हमारा तैयार हो गया है। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और जिस बर्तन में हमें इसको सेट करना है उसमें निकाल लेंगे और अच्छे से इसको प्रेस कर देंगे। और इसके ऊपर हमें थोड़ा सा गार्निशिंग कर लेंगे, जो थोड़े बहुत हमें ड्राई फ्रूट बचा के रखे थे उसको डाल देंगे। इस तरह से चारों तरफ हमें डाल देना है। और फिर इसको हमें प्रेस कर देना अच्छे से दबा दीजिए ताकि पीसेस काटने में आसानी रहे। अब हमें अपने मन पसंद शेप दे लेना है बर्फी का, जो भी आप शेप चाहते हो। इस तरह से ये हमारी हल्दी की कच्ची हल्दी की बर्फी तैयार हो गई है। आप जरूर ट्राई करें और इसे हम सेट होने के लिए रख देंगे। विंटर का समय चल रहा है इसलिए फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है, बाहर ही सेट हो जाएगा। ये हल्दी का हलवा भी हमारा अब सेट हो गया है। इसे जरूर बनाएं और कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं कैसा बना। मेरे हंग्री स्पून चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपना, अपने बच्चों का, बुजुर्गों का, परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू।
Thanks for watching. Stay tuned with Hungry Spoon.